ओम नमः शिवाय। लाइव सेल सामग्री में आपका स्वागत है। सभी को जय माता दी। माँ दुर्गा का चौथा रूप जो कि कुष्मांडा के रूप में जाना जाता है, और जो चौथा नवरात्रा आता है उस दिन चौथे नवरात्रे में माँ कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा देवी का यह व्रत विधि उन साधक साध्वियों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है जिनको अपनी मृत्यु का भय लगा रहता है। उन्हें स्वप्न भी ऐसे आते हैं कि कोई उन्हें मार रहा है, या वो रात को किसी भी समय घर से बाहर निकलते हैं तो भी उन्हें भय लगता है। और यदि जो भी साधक साध्वी जिनको भी ऐसा लगता है, तो यदि इन नवरात्रों में जो चौथा नवरात्रा आता है इनमें यदि आप माँ कुष्मांडा का ये मंत्र और व्रत विधि करते हैं तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा और किसी भी प्रकार के स्वप्न भी नहीं आएंगे। माँ कुष्मांडा अष्टभुजाधारी है और इनके सात हाथों में अस्त्र शस्त्र है और आठवें हाथ में अमृत का कलश है। और जो भी माँ कुष्मांडा देवी का पूजा आराधना करना चाहते हैं, उनकी उपासना करना चाहते हैं, वो इस मंत्र का जाप करें। और जो कि मंत्र है ये, और इस व्रत विधि में जो माँ का आसन होता है वो हरे रंग का होता है, और जो भी माँ को भोग लगाना है वो मालपुए का लगाना है, और जो आप माँ को अर्पित कर रहे हैं उन सभी को आपने ब्राह्मण को दान देना है। और इस दिन जो भी साधक साध्वी जितना दान देते हैं उससे ज़्यादा माँ कुष्मांडा आपको धनवान बनाती है, क्योंकि पूरी सृष्टि का निर्माण माँ कुष्मांडा देवी ने किया है। और इस व्रत विधि से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेंगे। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर को व्हाट्सएप पे ऐड करें और अपनी समस्या को व्हाट्सएप मैसेज में छोड़ दें। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और सभी साधक साध्वी बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ साधक साध्वी ऐसे होते हैं कि उन्हें वीडियो पसंद जरूर आती है मगर वो शेयर करना नहीं चाहते या शेयर करना भूल जाते हैं। देखिए, यदि किसी भी वीडियो से किसी भी विधि से आपको कोई भी लाभ होता है उसे शेयर करना ना भूले, क्योंकि यदि आपके एक शेयर से और आपके शेयर करने से किसी का भला होता है तो उस व्यक्ति का रुका हुआ कार्य होता है वो संपूर्ण हो जाता है। तो वो आपको दुआएं देगा और जो दुआएं देगा आपके जो भी कार्य रुक रहे होंगे या आप किसी भी तरह से परेशान होंगे तो उनकी दुआएं आपके काम आएंगी और आपके बिगड़े हुए कार्य संपूर्ण होंगे। सभी को जय माता दी। ओम नमः शिवाय।